अच्छा लगा कि ये सच्चाई लोगों के सामने आई, जिस मेंटल लेवल पे मेरे को तोड़ने की कोशिश करी मैं टूटा भी, बट एटलीस्ट वो सच्चाई फाइनली लोगों के सामने आ चुकी है। जितने भी कंटेस्टेंट आएंगे वो और भी बहुत सारी चीज़ें रिवील करेंगे, एंड आई एम रियली अप्रिशिएटेबल टू ऑल कंटेस्टेंट जिन्होंने बात प्रूफ करी कि वो चीज़ मेरे साथ हुई थी एंड वो इंटरनेट पर कभी दिखाई नहीं गई। अभी फिलहाल के लिए यार मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। गलत था, अभिषेक को मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। जितना भी वो चीज़ें फेस कर रहा है शो में, बहुत किसी भी इंसान को ये चीज़ें फेस नहीं करनी चाहिए, एंड जिस हिसाब से लाइक ईशा और समर्थ ने उसके साथ वो चीज़ें करी है, जनता बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी। जनता को दिख रहा है कौन असली प्लेयर है और किसको सपोर्ट करना चाहिए। समर्थ जब हार आएगा तो जनता डेफिनेटली उसका घोड़ा बनाएगी और उसे डेफिनेटली भाग आएगा। हमारे और आपके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है मेक यू नो कौन जीतेगा। सो फिक्स विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, बट डिजर्विंग विनर अभिषेक होना चाहिए। दोनों को ही यू नो वाइट वॉश कर रहे हैं, एंड ऐसे लोगों को जो यू नो हमारे सेंटिमेंट्स के लिए जो हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को जनता फिलहाल कितना भी वाइट वॉश कर ले बट जनता वो कभी नहीं बोलेगी और कभी माफ नहीं करेगी। मेरा बच्चा भूख से रो रहा हो तो मैं अभिषेक को उसका थप्पड़ देखूं और अपने बच्चे को खाना ना खिलाऊं? नहीं भाई, प्रोमो में मैंने देखा था, अभी थोड़ी दिन में अंदर जाएंगे तो पता चलेगा क्या हुआ। पर यार मेरे को अभिषेक पे थोड़ा सा, मैं सपोर्ट करूंगी अभिषेक को, क्योंकि जब दो लोग मिलके किसी एक को जलाते ना तो फिर थप्पड़ निकल ही जाता है। तो पंजाबी हमारा ना ऐसे करते करते निकल ही जाता है, जिससे मेरा छोटू को निकल जाएगा।